चीन समेत दुनिया के कई देशों में इन दिनों कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इसके साथ ही भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की दस्तक के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर अब जिला प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। सहारनपुर जिला प्रशासन ने कोरोना से बचाव के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सहारनपुर के DM अखिलेश सिंह ने कहा कि विश्व के कई देशों जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य, ब्राजील और चीन में पिछले 24 घंटों में COVID-19 रोगियों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना के नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। COVID-19 से सावधानी ही बचाव है। वेरिएंट से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सजगता तत्परता बरती जानी जरूरी है। बाजार, मेडिकल स्टोर या अस्पताल में फेस मास्क का उपयोग करें। कम से कम 1 मीटर की शारीरिक दूरी रखें। बुखार, गले में खराश, खांसी, लूज मोशन आदि जैसी किसी भी लक्षण के मामले में डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर के मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क का उपयोग करें। साबुन और पानी या सैनिटाइजर से नियमित रूप से हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों जैसे सार्वजनिक समारोह, विवाह, राजनीतिक या सामाजिक बैठकों आदि जगहों पर जाने से बचें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जानकारी के लिए IEEE के दूरभाष नंबर 0132-272-3147, 272-3971, हेल्पलाइन नंबर 1077, जिला चिकित्सालय हेल्पलाइन नंबर 0132-272-1162 इस पर संपर्क कर सकते हैं। DM ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचे जिन लोगों ने अभी तक COVID-19 का टीकाकरण नहीं कराया है, वो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीकाकरण कराने के साथ ही जिन व्यक्तियों को बूस्टर डोज नहीं लगी है, वो भी बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। जिन लोगों को बुखार, खांसी और सांस की बीमारी से परेशानी है, वो अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर COVID-19 की जांच, एंटीजन, RT-PCR टेस्ट अवश्य कराएं। जांच के नमूने UP सरकार द्वारा प्राधिकृत प्रयोगशालाओं में ही कराए जाएं। निजी चिकित्सक के पास अगर बुखार, खांसी या सांस संबंधित रोगियों की सूचना हो तो CMO या फिर सर्विलेंस अधिकारी को दें। इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन कराने के लिए DIG और SSP भी सड़क पर उतर गए। DIG और SSP ने महानगर में फोर्स के साथ पैदल मार्च कर पूरी व्यवस्था देखी। DGP ने प्रत्येक पुलिसकर्मी को मास्क पहनने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही कोविड नियमों का पालन कराने के लिए भी कहा। इसके बाद DIG सुधीर कुमार सिंह, SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा और SPCT अभिमन्यु मांगलिक ने कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र में कोर्ट रोड और दिल्ली रोड पर पैदल मार्च कर लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। फिलहाल जिस तरह से चीन में कोरोना का भयावह रूप फैलता नजर आ रहा है, उसे देखते हुए भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस UP के साथ।